एनिमल की सुनामी के सक्सेस के बाद से तो फिल्म के दूसरे पार्ट की भयंकर लेवल पर डिमांड चल रही है। ऐसे में रणबीर कपूर ने एनिमल पार्क को लेकर बड़ी अपडेट शेयर कर दी है और बता दिया है कि फिल्म के कितने सीन तैयार हैं। इसके साथ ही एनिमल पार्क की कहानी कैसी होगी और ये कब तक फ्लोर पर आ सकती है और कब इसको रिलीज किया जा सकता है, सब कुछ डिटेल अब सामने आ गई है। दरअसल फैंस बेसब्री से इस फिल्म के सीक्वल का वेट कर रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल एनिमल पार्क बताया जा रहा है। वहीं रणबीर ने खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मजेदार अपडेट शेयर कर दिए हैं, जिसको सुनने के बाद से आप झूम उठेंगे। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से कमाई यानी कि 915 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने के बाद अब एनिमल का दूसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के साथ बातचीत के दौरान रणबीर ने खुलासा किया कि कई लोगों को एनिमल के प्रोडक्शन के दौरान भी कहानी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। रणबीर ने कहा, बॉबी सर को कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अनिल सर को बाप बेटे की कहानी पता थी, लेकिन ऐसे कई पहलू थे जहां संदीप अपनी स्क्रिप्ट को लेकर बहुत सी क्रिएटिव थे। एनिमल पार्क के बारे में वांगा के पास एक या दो सीन तैयार है जो उन्होंने मुझे सुनाए और वे बहुत एक्साइटेड हैं। अब पार्ट वन की सक्सेस के चलते उनमें और भी डार्कर, डीपर और ज्यादा कॉम्प्लेक्सर होने का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसी बातचीत के दौरान रणबीर कपूर ने ये भी खुलासा की कि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद इसने सोसाइटी में एक हेल्दी बातचीत को पैदा किया है। रणबीर कपूर ने आगे कहा, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के बारे में भी एक बहुत ही हेल्दी बातचीत शुरू हो गई है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि सिनेमा कम से कम ये बातचीत शुरू कर रहा है। अगर कुछ गलत है, अगर आप ये नहीं दिखाते कि ये गलत है और जब तक समाज में बातचीत शुरू नहीं होती, हमें कभी इसका एहसास ही नहीं होगा, उन्होंने आगे कहा। तो हम जो रोल निभा रहे हैं वो किरदार है। ये बहुत अहम है कि एक्टर के तौर पर हमारे अंदर उनके प्रति सहानुभूति हो, क्योंकि हमें इसे निभाना है। एक दर्शक के रूप में आपको ये तय करना चाहिए कि क्या गलत है। आप गलत व्यक्ति पर फिल्म बना सकते हैं और बनने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन पर फिल्म नहीं बनाएंगे तो समाज कभी नहीं सुधरेगा। वेल, बता दें कि अब इस फिल्म की नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। ओटीटी पर भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है, लोग इसे खूब देख रहे हैं। कुल मिलाकर रणबीर की एनिमल पार्क पर तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन फिल्म कब फ्लोर पर जाएगी और इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे, साथ ही इसको रिलीज कब तक किया जा सकता है, इन सब पर रणबीर ने खुलासा नहीं किया है। फिल्म के बाकी के अपडेट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार भी फिल्म के जरिए खूब एंटरटेनमेंट मिलेगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।